हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक बैग लेकर आई हूँ और ये बैग हमारा कुछ खादी स्टाइल में बना हुआ है। इसमें हमने एक पॉकेट यहाँ दी है, एक पॉकेट यहाँ दी है। इसको बनाना बहुत आसान है और ये सारा मटेरियल आपके घर में आसानी से अवेलेबल होगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। आज का बैग बनाने के लिए सामान चाहिए 14x15 इंच का 2 पीस क्लोथ, 14x15 इंच 2 पीस लाइनिंग, 9x9 1 पीस क्लोथ, 9x9 1 पीस लाइनिंग, 5x60 इंच 1 पीस क्लोथ, 5x60 1 पीस लाइनिंग। तो चलिए आज का बैग बनाना शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे हम 5x60 इंच के पीस से। ये मैंने लंबा पीस लिया हुआ है और ये जो कपड़ा आप देख रहे हैं ये खादी टाइप का कपड़ा है जो गद्दों के कवर के लिए आता है, उसमें मिल जाता है ये। तो ये मैंने वो कपड़ा लिया है। अगर आपके पास ये कपड़ा नहीं है तो आप कोई मोटी चादर भी ले सकते हैं। और उसके साथ मैंने यहाँ पर ये जो लाइनिंग के लिए कपड़ा इस्तेमाल किया है ये पुराना दुपट्टा है जिसमें किसी चीज़ का दाग लग चुका है, तो हम इसको आज यूज़ करेंगे। और इसको हम सिंपल सा ऊपर का सिरा, ये जो ऊपर का सिरा है 5 इंच का, इसको छोड़ते हुए और इसको पूरा हम इधर से और इधर से सिल जाएंगे। पूरा लंबा 60 इंच पूरा सिल जाएंगे। ये हमने इसको इस तरह से तैयार कर लिया है दोनों तरफ से सिल के। और अब सेम प्रोसीजर में हम 9x9 का पीस लेंगे और लाइनिंग का पीस लेंगे और इसको भी 3 साइड से सिल के पलट के और पैक कर देंगे। इसको यहाँ अंदर इस तरह से मोड़ के फिनिशिंग दे करके बंद कर देना है। अब इसके बाद हम लेंगे 14x15 का पीस। ये लाइनिंग है और ये कपड़ा है। इसको भी जैसे हमने 9x9 को तैयार किया था सेम प्रोसीजर में तैयार कर लेंगे। अब ये पीस तैयार करने के बाद जो हमने 5x60 इंच का पीस तैयार किया था उसको भी हम सीधा करेंगे। ये जो पीस हमने शुरू में तैयार किया था इसको भी हमें सीधा करना है। और इसको भी इस तरह से बराबर करते हुए इसके दोनों सिरों को हम बंद कर देंगे। ये जो दोनों सिरे हैं हमारे इनको हम बंद कर देंगे। ये दोनों सिरे इस तरह से पैक हो गए। अब इसको हम पहले बराबर करेंगे लाइनिंग को नीचे और बगल की सिलाई को किनारे, जिससे कि आपस में अच्छी तरह से जुड़ जाए। इस तरह से इसको बराबर से बैठा दें। अब ये सारे पीस हमारे तैयार हो चुके हैं। अब 9x9 का पीस लेंगे और एक पीस इसको लेंगे। अब ये जो हमारा 15 इंच का एरिया था ये हमारा 14 हो गया और ये हमारा 13 हो गया। तो जो 13 इंच का एरिया है वो ऐसे रखना है अपने सामने सीधा और 14 इंच का इधर रखना है। अब इस पर ये जो हमने 9x9 का तैयार किया था इसको जस्ट अपोजिट रखेंगे इस तरह से। इसकी स्ट्राइप्स ऐसे जा रही है, इसकी स्ट्राइप्स ऐसे आएगी। और इसमें अब इसको लगाने से पहले इसके किनारे किनारे हम एक चाप की दूरी पर फिर मशीन चलाएंगे। एक पीस ये लेंगे और इसको हम इस तरह से बीच में रख करके और 3 साइड से पैक कर देंगे। यहाँ पर हमारा ओपन रहेगा।
अब इसको इस तरह से तैयार करने के बाद ये जो हमने बेल्ट तैयार की थी इसको लेंगे, इसको यहाँ सिंपल इसके ऊपर एक के ऊपर इस तरह से एक रख करके, एक इंच नीचे डाउन निकाल करके इसको हम सिंपल इसके ऊपर एक के ऊपर एक रख के और सिलेंगे। ध्यान रहे दोनों एक साथ जोड़ना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। ये हमने इसको इस तरह से जोड़ दिया। दूसरा पीस लेंगे, इसको साइड में रखेंगे और इसको यहाँ पर इसके साथ जितना यहाँ छोड़ा है 1 इंच उतना छोड़ते हुए इसको भी यहाँ पर सेम प्रोसीजर में जोड़ देंगे। इसको इस तरह से जोड़ने के बाद बेल्ट का दूसरा सिरा लेंगे और इसको यहाँ जोड़ देंगे सेम प्रोसीजर में 1 इंच बाहर करते हुए। और अब इसका दूसरा सिरा यहाँ जोड़ेंगे। यहाँ जोड़ने में अब थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि ये हमारा राउंड हो चुका है, लेकिन हम जोड़ेंगे उसी प्रोसीजर में और नीचे से इसको हटाते जाएंगे और इसको सिलते जाएंगे। ये हमने इसको इस तरह से तैयार कर लिया। अब इसको सीधा करेंगे। ये जो नीचे का हिस्सा है 1 इंच डाउन जा करके हमने इसको बाहर किया था, एक साथ मिलाएंगे। ये देखिए ये एक साथ मिलाएंगे यहाँ पर और इसको यहाँ एक साथ मिलाएंगे ये, और इसको यहाँ से पूरा सिलते हुए, ये जो बॉर्डर लिया था हमने इसको, इसको भी हमें सिलना है। यहाँ से पूरा सिलते हुए डबल मशीन चलाएंगे, एक मशीन सिंपल चलाएंगे फिर एक चाप की दूरी पर दूसरी चला देंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद अब ये जो ऊपर का सिरा है इस पर हम पूरी गोलाई से मशीन चलाएंगे यहाँ से यहाँ तक, जैसे नीचे किया था। एक पहले फिनिशिंग की मशीन चलाएंगे फिर एक चाप की दूरी पर दूसरी मशीन चला देंगे। अब यहाँ पर हमने डबल मशीन चला ली, इसको यहीं से टर्न कर देंगे और जो इसका हैंडल है इसको भी ये किनारे जो है फिनिशिंग की मशीन चला देंगे और ये बैग हमारा कंप्लीट हो गया। खादी स्टाइल का बैग हमने कुछ इस तरह से कंप्लीट कर लिया। इसमें हमें एक पॉकेट सिंपल यहाँ पर मिली है और इसमें काफ़ी स्पेस है। अब इसमें आप पूरी शॉपिंग करके आ सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। बच्चों को आजकल तो फैशन में ये सब चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ यूज़फुल बैग लेकर आएगी। नमस्कार।